आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ, वो ये है कि सेक्स बुजुर्गों के लिए अच्छा है या खराब। सेक्स जो है बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। सेक्स इज गुड फॉर पीपल अबव 60 ईयर्स। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट होता है कि आपका जो हेल्थ स्पैन है, मतलब कितने पीरियड से कितने पीरियड तक आप जो हेल्दी रह सकते हो या रहते हो, वो बढ़ जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है। इसका इलाज करने में भी बहुत सारे फायदे हैं, और सेक्स का एक रेगुलर लाइफ ये हैबिट होने से भी बहुत सारे फायदे। लेकिन सेक्स को देर उम्र तक हेल्दी कैसे रखा जाए स्वयं अपने आप, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेक्स का जो बॉडी के जिस अंग के संग रिलेशन है वो है पैर। मन में तो सेक्स की इच्छा आती है, लेकिन जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पैर से आता है। तो पैर की एक्सरसाइज आप रेगुलर करें, 50 साल की उम्र के बाद ही आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज जब बोलते हैं हम लोग, सब लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक करना शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं, वो नहीं। अब जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना भी एक एक्सरसाइज है। आप मॉर्निंग वॉक नहीं करें तो कम से कम घर की सीढ़ियाँ 2-4 बार एक्स्ट्रा अप डाउन कर लें तो भी पैर की एक्सरसाइज हो जाती है। और सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है नी फ्लेक्शन, नी एक्सटेंशन, माने पैर घुटनों से पैरों को अंदर की तरफ मोड़ना और बाहर ऊपर की तरफ निकालना, वेट के संग करने से बहुत अच्छा होता है। तो जो भी एक्सरसाइज करें वेट के संग करें। आप जाकर मॉर्निंग वॉक भी करते हैं उसको, उसके में आपने अगर पैर की शक्ति बढ़ाना चाहे तो कुछ दोनों हाथों में कुछ ना कुछ वजन उठा के चले। सीढ़ी चल रहे हैं तो हाथों में कुछ वजन उठा के चले, आपके पैर की ताकत बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपकी पैर की ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे आपका सेक्स मेंटेन होता रहेगा, घटेगा नहीं। दूसरी बात, हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं शरीर में, जिसका हम लोग सप्लीमेंटेशन देते हैं, ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है हेल्थ के लिए। और हम लोग आर्टरी को नया करने के लिए कई बार PRP बोल के इंजेक्शन देते हैं या फिर शॉक वेव थेरेपी कर बोल के इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये एक जो विचारधारा है कि हेल्थी देर उम्र में सेक्स करने से बहुत जल्दी शरीर खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। धन्यवाद।